लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए आज यानी कि 23 मार्च को 11 बजे अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को साझा करने वाली थी, लेकिन अभी किसी कारणवश इसमें देरी हो रही है। सारी ही मीडिया हाउस पटना में बीजेपी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, लेकिन एनडीए अभी अपनी लिस्ट के साथ रेडी नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन होने हैं और यहाँ पर 40 सीटों को एनडीए ने 17 बीजेपी के खेमे में, 17 जेडीयू के खेमे में और 6 लोजपा के खेमे में दिए हैं। अब इन्हीं सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर घोषणा होने वाली है। भाजपा जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, महाराजगंज, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद और अररिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वहीं जेडीयू जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसमें वाल्मीकि नगर, सिवान, गोपालगंज, जहानाबाद, गया, काराकट, मधेपुर, सोपाल, झंझारपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज, बांका, भागलपुर, मुंगेर, नालंदा और कटिहार शामिल हैं। और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा जिन 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनमें हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, नवादा, खगड़िया और वैशाली शामिल हैं। अब बस यहां से उम्मीदवारों के अनाउंसमेंट का सब लोग वेट कर रहे हैं और देखते हैं बीजेपी की लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल होते हैं। SPN 9 न्यूज़ से अनुश्रुति की रिपोर्ट।